सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट बाइक्स के बारे में जिनके साथ आप लॉन्ग राइड्स कर सकते हो, यानी कि लॉन्ग राइड्स करने के लिए सबसे बेस्ट बाइक्स कौन सी रहेंगी। सो अगर आपको इन सभी बेस्ट लॉन्ग राइड्स वाली बाइक्स के बारे में जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लॉन्ग राइड्स करने के लिए सबसे ज्यादा अच्छी और कम्फर्टेबल बाइक रहती है एडवेंचर टूरर टाइप्स की, क्योंकि अगर आप लॉन्ग हाईवे राइड्स करते हो तो आपको काफी सारी जगह ऐसी मिलती है जहाँ पे रोड अच्छे नहीं होते हैं। सो उस कंडीशन में एडवेंचर टूरर टाइप की बाइक्स ज्यादा कम्फर्टेबल रहती है। हम बात करते हैं रेट्रो क्रूजर बाइक्स के बारे में, और इसमें सबसे पहली बाइक है जावा 42। इस बाइक का एक्सशोरूम प्राइस 1,68,000 से लेके 1,81,000 तक है, जिसका ओनरोड प्राइस आपको 2,10,000 रुपए तक देखने को मिलेगा। और इस बाइक के अंदर एक जावा 42 2.1 वर्जन भी है, जिसका एक्सशोरूम प्राइस है 1,94,000 और ओनरोड प्राइस है 2,21,000। 293cc का लिक्विड कूल्ड DOHC 6-speed ट्रांसमिशन वाला इंजन है, जिसकी पावर है 27 PS और टॉर्क आउटपुट है 27 Nm, और बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 14 liters की है। बाइक का राइडिंग पोस्चर काफी कंफर्टेबल है, लेकिन इस बाइक की सीट उतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। लॉन्ग राइड्स करने के लिए इस बाइक की सीट को आप मॉडिफाई करवा सकते हो, लेकिन बाइक की लॉन्ग हाईवे राइडिंग कैपेबिलिटी काफी अच्छी है। और इस बाइक के अंदर आपको 35 mpl के आसपास की माइलेज मिलेगी, जिसकी हाईवे पे परफॉर्मेंस काफी अच्छी है और स्टेबिलिटी भी काफी अच्छी है। नेक्स्ट बाइक है येजदी की रोडस्टर। येजदी की रोडस्टर भी एक काफी अच्छी रेट्रो क्रूजर टाइप की बाइक है, जिसका एक्सशोरूम प्राइस 2,00,000 रुपए से लेके 2,10,000 रुपए तक है, और इस बाइक का ऑनरोड प्राइस आपको 2,40,000 रुपए के आसपास देखने को मिलेगा। बाइक के अंदर 334cc का लिक्विड कूल्ड DOHC 6-speed ट्रांसमिशन वाला इंजन है, जिसकी पावर है 30 PS और टॉर्क आउटपुट है 29 Nm। इस बाइक का राइडिंग पोस्चर काफी कंफर्टेबल है, बाइक की सीट भी काफी कंफर्टेबल है। बाइक का सस्पेंशन सेटअप और ब्रेकिंग सिस्टम दोनों ही काफी अच्छा है, और ये बाइक पिलियन के लिए भी काफी कंफर्टेबल रहेगी। इस बाइक के अंदर भी आपको 35 mpl के आसपास की माइलेज मिलेगी, इस बाइक को भी आप कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट बाइक है रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350। रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 भी एक काफी अच्छी रेट्रो क्रूजर टाइप की बाइक है, जिसका एक्सशोरूम प्राइस 1,90,000 रुपए से लेके 2,21,000 रुपए तक है, और इस बाइक का ओनर प्राइस आपको 2,26,000 रुपए से लेके 2,60,000 रुपए तक देखने को मिलेगा। बाइक के अंदर जे सीरीज वाला काफी अच्छा स्मूथ रिफाइंड और रिलायबल इंजन है, जो कि 349.34cc का एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन है, जिसकी पावर है 20 PS और टॉर्क आउटपुट है 27 Nm। इस बाइक के अंदर भी आपको 35 mpl के आसपास की माइलेज मिलेगी। बाइक की लॉन्ग हाईवे राइडिंग कैपेबिलिटी काफी अच्छी है, बाइक की सीट भी काफी कंफर्टेबल है, और बाइक का राइडिंग पोस्चर भी काफी कंफर्टेबल है। इस बाइक के अंदर आपको सिंगल चैनल ABS, ड्यूअल चैनल ABS और भी काफी सारे वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे। बाइक की हाईवे पे स्टेबिलिटी भी काफी अच्छी है और परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है। सो अगर आपको एक रेट्रो क्रूजर टाइप की बाइक लेनी है तो फिर आप क्लासिक 350 को भी कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट बाइक के बारे में बात करते हैं, जो है रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350। मीटियोर 350 एक काफी अच्छी कंफर्टेबल रेट्रो क्रूजर टाइप की मशीन है, जिसके लुक्स, डिजाइन और स्टाइल भी काफी अच्छे हैं। मीटियोर 350 क्लासिक 350 के साथ ही इंजन शेयर करती है, और इस बाइक का एक्सशोरूम प्राइस 2,00,000 रुपए से लेके 2,19,000 रुपए तक है, जिसका ओनरोड प्राइस आपको 2,40,000 रुपए से लेके 2,50,000 रुपए के आसपास देखने को मिलेगा। बाइक का राइडिंग पोस्चर काफी कंफर्टेबल है, बाइक पिलियन के लिए भी काफी कंफर्टेबल है, क्योंकि बाइक की सीट्स की कुशनिंग काफी अच्छी है। इस बाइक के अंदर भी आपको 35 mpl के आसपास की माइलेज मिलेगी। बाइक की हाईवे पे स्टेबिलिटी काफी अच्छी है, और बाइक की टूरिंग कैपेबिलिटी भी काफी अच्छी है। बाइक का सस्पेंशन सेटअप, ब्रेकिंग सिस्टम दोनों ही चीजें काफी अच्छी है, और इस बाइक के अंदर आपको स्टैंडर्ड ड्यूअल चैनल ABS देखने को मिलेगा। बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 15 liters की है, और इस बाइक के अंदर भी आपको काफी सारे वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे, जिनमें आपको काफी अच्छे कलर्स भी मिल जाएंगे, और लॉन्ग हाईवे राइड्स करने के लिए ये बाइक भी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बाइक के बारे में बात करते हैं, जो है होंडा की हाईनेस CB350 और CB350 RS। ये दोनों बाइक्स इंजन और काफी सारे कंपोनेंट्स को शेयर करती हैं। हाईनेस CB350 का एक्सशोरूम प्राइस 1,98,000 से लेके 2,05,000 तक है, जिसका ऑन रोड प्राइस आपको 2,26,000 से लेके 2,35,000 के आसपास देखने को मिलेगा। इस बाइक के अंदर डीलक्स, डीलक्स प्रो और एनिवर्सरी एडिशन, ये तीन वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। हाईनेस CB350 की भी ओवरऑल लुक्स, डिजाइन और स्टाइल काफी अच्छे हैं, लेकिन CB350 RS ज्यादा स्पोर्टी टाइप की मशीन है, और इस बाइक के अंदर भी काफी अच्छे रेट्रो एलिमेंट्स हैं, जिसका एक्सशोरूम प्राइस 2,03,000 रुपए से लेके 2,04,000 रुपए के आसपास है, जिसका ऑनरोड प्राइस आपको 2,35,000 के आसपास देखने को मिलेगा। दोनों बाइक्स के अंदर 348.36cc का एयर कूल्ड इंजन है, जिसकी पावर है 21 PS, टॉर्क आउटपुट है 30 Nm, बाइक के अंदर 5-speed गियर बॉक्स है और 15 liters की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। दोनों बाइक्स के अंदर काफी अच्छा स्मूथ, रिफाइंड और रिलायबल इंजन है। दोनों बाइक्स में आपको 35 mpl के आसपास की माइलेज मिलेगी,
और दोनों बाइक्स की लॉन्ग हाईवे राइडिंग कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी है और दोनों बाइक्स पिलियन के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं क्योंकि दोनों बाइक्स की सीट की कुशनिंग काफ़ी अच्छी है। सो होंडा की हाइनेस CB350 और CB350 RS इन बाइक्स को भी आप कंसीडर कर सकते हो क्योंकि लॉन्ग राइड्स करने के लिए ये बाइक भी वन ऑफ दी बेस्ट मशीन है। सो दोस्तों ये तो हो गई रेट्रो क्रूजर टाइप की बाइक्स, अब हम बात करते हैं मॉडर्न रेट्रो बाइक्स के बारे में। मॉडर्न रेट्रो क्रूजर बाइक्स में सबसे पहली बाइक है जो है TVS की रोनिन 225। TVS की रोनिन 225 भी काफ़ी अच्छी रेट्रो स्टाइल क्रूजर टाइप की मशीन है जिसके ओवरऑल लुक्स डिजाइन और स्टाइल काफ़ी अच्छे हैं। बाइक के अंदर काफी अच्छे प्रीमियम कंपोनेंट्स भी हैं जैसे कि अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स, ऑल LED लाइट्स का सेटअप, और बाइक काफी अच्छे बजट के अंदर भी आ जाती है क्योंकि इसका एक शोरूम प्राइस 1,49,000 से लेके 1,71,000 तक है जिसका ओनर प्राइस आपको 1,76,000 से लेके 2,00,000 रुपए तक देखने को मिलेगा। बाइक के अंदर LED इंडिकेटर्स हैं, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जिसके अंदर नेविगेशन सिस्टम फीचर भी है और बाकी सारे फीचर्स फुली डिजिटल हैं। बाइक के अंदर काफी अच्छी कंफर्टेबल सिंगल पीस सीट है और राइडिंग पोस्चर भी काफी कंफर्टेबल है। इस बाइक की भी लॉन्ग हाईवे राइडिंग कैपेबिलिटी काफी अच्छी है। बाइक के अंदर काफी अच्छे ब्लॉक पैटर्न टाइप के ड्यूअल पर्पस टायर्स हैं। 225.9 सीसी का एयर कोल्ड इंजन है जिसकी पावर है 20.4 PS, टॉर्क आउटपुट है 20 Nm विद 5-speed ट्रांसमिशन। बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 14 लीटर्स की है और इस बाइक के अंदर आपको 40-45 km/h के आसपास की माइलेज बड़े आराम से मिल जाएगी। बाइक के अंदर काफी अच्छे रेट्रो एलिमेंट्स भी हैं और ये बाइक भी लॉन्ग हाईवे राइडिंग करने के लिए काफी अच्छी बाइक है। अब बात करते हैं मॉडर्न रेट्रो क्रूजर बाइक्स की सबसे लास्ट बाइक के बारे में जो है रॉयल एनफील्ड की हंटर 350। हंटर 350 भी एक काफी अच्छी न्यू रेट्रो टाइप की मशीन है जिसका एक शोरूम प्राइस 1,50,000 से लेके 1,72,000 तक है और इस बाइक का ओनर प्राइस आपको 1,82,000 से लेके 2,10,000 के आसपास देखने को मिलेगा। इस बाइक के अंदर भी काफी अच्छी कंफर्टेबल सिंगल पीस सीट है। बाइक के अंदर काफी अच्छे अलग अलग वेरिएंट्स हैं। बाइक में 349.34 सीसी का एयर कूल्ड SOHC इंजन है जिसकी पावर है 20.4 PS, टॉर्क आउटपुट है 27 Nm विद 5-speed ट्रांसमिशन। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 13 लीटर्स की है और इस बाइक के अंदर आपको 35 km/h के आसपास की माइलेज मिलेगी। बाइक के अंदर काफ़ी अच्छे रेट्रो एलिमेंट्स हैं, ओवरऑल लुक्स डिज़ाइन और स्टाइल भी काफ़ी अच्छे हैं और इस बाइक की भी लॉन्ग हाईवे राइडिंग कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। इस बाइक को भी आप कंसीडर कर सकते हो अगर आपको लॉन्ग राइड्स करनी है तो। लेकिन अब फाइनली हम बात करते हैं एडवेंचर टूरर टाइप की बाइक्स के बारे में जो लॉन्ग हाईवे राइड्स करने के लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल बाइक्स हैं। एडवेंचर टूरर टाइप की बाइक्स में सबसे पहली बाइक है हीरो मोटो कॉर्प की Xpulse 200। Xpulse 200 के अंदर भी आपको 3 वेरियंट्स देखने को मिलेंगे जिसमें एक है स्टैंडर्ड वेरियंट जिसका एक शोरूम प्राइस है 1,27,000, इसका ओनर प्राइस है 1,52,000 के आसपास। इस बाइक के अंदर एक 4-way एडिशन भी आ गया है जिसके अंदर 2 वॉल्स की जगह पे 4 वॉल्स हैं जिसका एक शोरूम प्राइस है 1,37,500 और ओनर प्राइस है 1,64,000। इस बाइक के अंदर एक 4V वाले एडिशन के अंदर रैली एडिशन भी है जिसका एक शोरूम प्राइस है 1,52,000 जिसका ओनर प्राइस आपको 1,80,000 के आसपास देखने को मिलेगा। इस बाइक की भी लॉन्ग हाईवे राइडिंग कैपेबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है। बाइक के अंदर कंफर्टेबल सिंगल पीस सीट है, राइडिंग पोस्चर भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। ऑफ रोडिंग करने के लिए भी ये बाइक वन ऑफ द बेस्ट मशीन है जिसके अंदर 199.6 सीसी का ऑयल कोल्ड इंजन है जिसकी पावर है 18.08 PS, टॉर्क आउटपुट है 16.45 Nm विद 5-speed ट्रांसमिशन। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 13 लीटर्स की है। बाइक के अंदर फ्रंट में राउंड शेप LED हेडलाइट है, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जिसके अंदर नेविगेशन सिस्टम भी है। बाइक के अंदर स्पोक व्हील्स हैं और एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करने के लिए भी ये बाइक काफी अच्छा ऑप्शन है। सो हीरो की Xpulse 200 को भी आप कंसिडर कर सकते हो अगर आपको लॉन्ग राइडिंग करने के लिए और ऑफ रोडिंग करने के लिए बाइक लेनी है तो। नेक्स्ट बाइक है YZD की एडवेंचर। YZD एडवेंचर भी एक काफी अच्छी एडवेंचर टूर टाइप की मशीन है जिसका एक शोरूम प्राइस 2,13,000 से लेके 2,15,000 तक है जिसका ओनर प्राइस आपको 2,45,000 के आसपास देखने को मिलेगा। बाइक में 334 सीसी का लिक्विड कूल्ड DOHC इंजन है जिसकी पावर है 30 PS, टॉर्क आउटपुट है 30 Nm विद 6-speed ट्रांसमिशन। बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 15.5 लीटर्स की है और इस बाइक के अंदर भी स्पोक व्हील्स हैं, स्प्लिट टाइप की सीट्स हैं। बाइक के अंदर फ्रंट में काफी अच्छी लार्ज विंडस्क्रीन है और बाइक के अंदर काफी अच्छे टायर्स हैं। ऑफ रोडिंग करने के लिए ये बाइक भी वन ऑफ दी बेस्ट मशीन है जिसकी हाईवे पे स्टेबिलिटी भी काफी अच्छी है और इस बाइक के अंदर आपको 35 km/h के आसपास की माइलेज मिलेगी। नेक्स्ट बाइक के बारे में बात करते हैं जो है होंडा की CB200X। होंडा की CB200X भी एक काफी अच्छी एडवेंचर टूर टाइप की मशीन है जो अपने सेगमेंट में सबसे अफोर्डेबल मशीन है जिसका शोरूम प्राइस है 1,48,000 और इस बाइक का ओनर प्राइस आपको 1,72,000 के आसपास देखने को मिलेगा। बाइक के अंदर प्रीमियम अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स हैं, रियर में प्री लोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है, फ्रंट में काफी अच्छी लार्ज विंडस्क्रीन है। बाइक के अंदर ब्लॉक पैटर्न टाइप के ड्यूअल पर्पस टायर्स हैं,
स्प्लिट टाइप की सीट्स हैं और काफी कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर है। इस बाइक के अंदर आपको 40 kmpl के आसपास की माइलेज भी मिल जाएगी। बाइक में 184.4 cc का एयर कूल्ड इंजन है जिसकी पावर है 17.2 PS, टॉर्क आउटपुट है 16 न्यूटन मीटर विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 12 लीटर्स की है और इस बाइक की भी लॉन्ग हाईवे राइडिंग कैपेबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है। अगर आपका बजट कम है तो फिर आप होंडा की CB200X को भी कंसिडर कर सकते हो। बाइक के अंदर काफी अच्छे प्रीमियम कंपोनेंट्स भी हैं। नेक्स्ट बाइक के बारे में बात करते हैं जो है रॉयल एनफील्ड की हिमालयन। रॉयल एनफील्ड हिमालयन भी एक काफी अच्छी एडवेंचर टूर टाइप की मशीन है जो लद्दाख ले जाने के लिए, ऑफ रोडिंग करने के लिए, लॉन्ग हाईवे राइड्स करने के लिए काफी अच्छी बाइक है। इस बाइक का एक्सशोरूम प्राइस 215,000 से लेके 222,000 तक है जिसका ऑन रोड प्राइस आपको 270,000 के आसपास देखने को मिलेगा। इस बाइक के अंदर 411 cc का एयर कूल्ड इंजन है जिसकी पावर है 24 PS, टॉर्क आउटपुट है 32 न्यूटन मीटर। बाइक के अंदर 5 स्पीड गियर बॉक्स है, 15 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, फ्रंट में काफी अच्छी लार्ज विंड स्क्रीन है, बाइक के अंदर स्प्लिट टाइप की सीट्स हैं, काफी कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर है, बाइक के अंदर स्पोक व्हील्स हैं और एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करने के लिए ये बाइक भी वन ऑफ द बेस्ट मशीन है जिसके साथ आप लॉन्ग हाईवे राइड्स भी कर सकते हो। सो रॉयल एनफील्ड की हिमालयन को भी आप कंसिडर कर सकते हो आपको एक एडवेंचर टूर टाइप की बाइक लेनी है तो। नेक्स्ट बाइक के बारे में बात करते हैं जो है सुजुकी की V-Strom SX250। ये बाइक रिसेंटली ही इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च हुई है जिसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी, लॉन्ग हाईवे राइडिंग कैपेबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है। इस बाइक का एक ही स्टैंडर्ड वेरियंट है जिसका एक्सशोरूम प्राइस है 211,600 जिसका ऑन रोड प्राइस आपको 245,000 के आसपास देखने को मिलेगा। बाइक के अंदर फ्रंट में काफी अच्छी लार्ज विंड स्क्रीन है, बाइक के अंदर अलॉय व्हील्स हैं, ब्रेकिंग सिस्टम और सस्पेंशन सेटअप दोनों ही चीजें काफी अच्छी हैं। बाइक में स्प्लिट टाइप की सीट्स हैं, कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर है, काफी अच्छे सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर्स हैं, बाइक की हाईवे पे स्टेबिलिटी भी काफी अच्छी है और इस बाइक के अंदर आपको 35 kmpl के आसपास की माइलेज मिलेगी जिसमें 249 cc का ऑयल कूल्ड SOHC इंजन है जिसकी पावर है 26.5 PS, टॉर्क आउटपुट है 22 न्यूटन मीटर विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन, बाइक की फुल टैंक कैपेसिटी 12 लीटर्स की है। एडवेंचर टूरर बाइक्स के अंदर सुजुकी की V-Strom SX250 भी वन ऑफ दी बेस्ट मशीन है जिसके साथ आप ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो, लॉन्ग हाईवे राइड्स भी कर सकते हो। सो दोस्तों ये थी वो सारी बाइक्स जिनके साथ आप लॉन्ग राइड्स बड़े आराम से कर सकते हो, यानी कि अगर आपको लॉन्ग हाईवे राइड्स करनी है तो फिर ये सभी बाइक्स को आप कंसिडर कर सकते हो। लेकिन आपको इन सब बाइक्स में से कौन सी बाइक सबसे ज्यादा अच्छी लगती है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो इस वीडियो में इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।